मोदी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीप्ति ठाकुर, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अपने बारे में या बिजनेस के जॉब के बारे में बताऊं तो मैं इससे पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उससे पहले भी मैं जॉब करती थी, फिर मैंने मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया। सपने तो हर किसी के होते हैं दोस्तों, सब अपनी लाइफ में सपनों को पूरा करना चाहता है। उसी टाइम मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, फिर मैंने इसमें ज्वाइनिंग की अपनी। मुझे इसे ज्वाइन किए 2-3 मंथ्स हो चुके हैं। मुझे इसमें इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर एक बात समझ में आ गई कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर जो है मैं अपना अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। यहाँ कोई बॉस नहीं होता है, यहाँ किसी ये बिजनेस बिना किसी लॉस के किया जा सकता है। और फुल टाइम पार्ट टाइम हम जैसा भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम इसे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी हम करना चाहें वैसे हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं ये बिजनेस बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा था, बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा है। और मैंने भी अपने छोटे छोटे सपनों को इस बिजनेस के द्वारा मैं इसे पूरा कर रही हूँ। सभी के सपने पूरे होते हैं तो मैंने भी अपने सपनों को इसके थ्रू मैं पूरा करने जा रही हूँ। और कुछ सक्सेसफुल लोगों की मदद से जो है मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। आज की तारीख में अपने छोटे छोटे सपनों को लगातार पूरी करती जा रही हूँ। और सपनों की बात करूँ तो मैंने इसे फास्टर 10 से स्टार्ट किया था और मैं इसे लगातार करती जा रही हूँ। अब जो हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो आई केयर एंड मोदी केयर प्रोडक्ट्स पर है, जिसे कि एक शानदार लीडर जो हमें इसकी ट्रेनिंग देंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ मिस्टर योगेश सर का, जो कि आरपी आरपी बीची है। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया और आज एक और लर्निंग का सेशन है। इस सेशन में हम समझेंगे कि हमारी आईज की हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, कौन कौन से करंट चैलेंजेस हैं जो आंखों में आते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सबको करता हूँ गुड मोदी गुड मॉर्निंग, और मेरे दोस्तों आप सबका स्वागत है इस सेशन में। तो शुरुआत करते हैं कि देखिए, आंखें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आंखें ना हो तो लाल क्या और क्या हरा, क्या काला, क्या पीला, मुझे किसी कलर से कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सोच के देखिए, कोई जन्म से अगर कोई अंधा है, अगर उसे पूछ लिया जाए कि बेटा लाल कलर कैसा होता है, उसका जवाब क्या होगा? यही पता नहीं, वो कुछ नहीं बता पाएगा। तो कलर हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और कलर को हम देखते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। और जैसे जैसे आंखें कमजोर होती जाती हैं, वैसे वैसे हमें देखना कम होता जाता है। आज आप देखेंगे आंखों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या कोई गेस कर सकता है कि क्या चैलेंज हो सकता है आंखों के सामने? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आंखों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आपका मोबाइल। आज हर इंसान लगभग 6 से 7 घंटे तक का स्क्रीन टाइम हो गया लोगों का, इतनी देर तक मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल चलाने की वजह से क्या होता है, लगातार फोन से जो लाइट निकल रही है, वो स्क्रीन की जो लाइट है वो हमारी स्क्रीन तक जाती है, जो आंखें हैं वहां तक जाती है, और आंखों में धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप फोन चला रहे हो और आपकी आंखों से पानी निकलना चालू हो जाता है, और तब भी हम फोन चला रहे होते हैं, आंखें हमसे क्या कह रही हैं? ये आंखें कह रही हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हो रही हूं, ये फोन चलाना बंद करिए। पर हम इनकी आंखों की भाषा को दरकिनार करते हुए ऐसे कर देते हैं, कपड़े से पोंछ लेते हैं, फिर दोबारा फोन चलाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोजमर्रा का लाइफ में ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यही अगर प्रक्रिया लगातार बनी रहे तो आंखें धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती है। तो आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी ये है कि मोबाइल का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस से करिए, सोच समझ के करिए। स्क्रीन टाइम को लगातार बहुत लंबे समय तक हमें फोन को नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है अपने आने वाला जो समय है उसमें जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है वो आंखों की होगी, क्योंकि स्पेक्स बहुत ज्यादा बिक रहे होंगे, कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे, और आंखों की दवाइयां, आंखों में डालने वाली ड्रॉप्स, इन सबका बहुत ज्यादा सेवन हो रहा होगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा जन्म हुआ है, इस बॉडी मेरे को स्वस्थ मिली है, आंखें मुझे अच्छी मिली हैं, तो मैं इनको अच्छे से रखूं। आज ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं बाहर जिनको करने से आंखों को बड़ा कष्ट होता है। सोच के देखिए, अगर कोई बैंकिंग में जॉब कर रहा है तो ज्यादा नहीं 4-5 साल कोई जॉब कर ले बैंकिंग में, उसकी आंखें खराब होना तय है। तो ऐसी जॉब्स भी आज मौजूद है आंखों, मतलब बाहर, जो आंखों की रोशनी तक छीन लेती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लगातार लैपटॉप पे उन्हें काम करना पड़ता है, वो एक्सपर्ट हैं उसके, तो लगभग दिन में 8-8, 10-10 घंटे वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घर आकर फिर फोन भी चला रहे हैं, जिसकी वजह से आंखें और तेजी से खराब हो रही है। तो आंखों का रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज एक समय ऐसा होगा कि पूरी दुनिया हमें धुंधली दिख रही होगी। तो आंखों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज का ये सेशन रखा गया है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। चलिए,
अब आंखों को क्या चाहिए बेसिकली? कुछ विटामिन्स हैं जो आंखों को चाहिए, कुछ मिनरल्स हैं जो आंखों को चाहिए। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखों में कुछ ऐसा विकार होता है जिसकी वजह से रात में देखना कम हो जाता है। ऐसे ही अगर आंखों को कॉपर ना मिले, जिंक ना मिले और या फिर विटामिन ई ना मिले तो आंखों में उसके भी दुष्परिणाम आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप रेगुलर अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी मतलब विटामिन और मिनरल को पूरा करते हैं, तो आप काफी हद तक आंखों को न्यूट्रिशनल लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक अगर मेरी आंखों में किसी विटामिन की कमी हो जाती है, जो विटामिन आंखों के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए की जैसे हमने बात करी, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर विटामिन ए कम हो जाएगा तो अगले दिन मेरी आंख खराब हो जाएगी। हमारी बॉडी उसको एडजस्ट करती है काफी हद तक। अगर आज मेरी आंखों में कुछ अंतर आ रहा है, अगर आज मुझे हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर रात में मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, रात में कम दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन ए की कमी आज की नहीं, ये कम से कम 3 से 6 महीने पहले से हो रही है और आज तो बॉडी केवल सिम्टम दिखा रही है कि हाँ हमें थोड़ा कम दिख रहा है। इट मीन्स कि लंबे समय से आंखों का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हुआ और लंबे समय से आप जरूरत से ज्यादा स्क्रीन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आंखों में डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आगे और ज्यादा डिसीजन हम लोग कर सकें। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियर है। क्या सब लोग इसको देख पा रहे हैं? यस सर, जरा कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, आपको स्क्रीन दिख रही है। क्या आपको ये पिक्चर साफ दिख रही है? क्या एकदम क्लियर दिख रहा है ये पिक्चर? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वेल डन। So, दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हमारी आंखें कमजोर हैं, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनको अक्सर ऐसा ही दिखाई देता है बिना चश्मे के। जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं तो ऐसा दिखता है। अगर आज आपको ऐसा दिखता है, एक मिनट रुकिएगा, जरा शेयर करते हैं कंट्रोल एल। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं, ये है क्रिस्टल क्लियर इमेज। तो अभी मेरी आंखें अगर नॉर्मल है तो बिना चश्मे के क्लियर दिखेगा, अदरवाइज चश्मे के साथ हमेशा दिखता है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी तो हमें अंदाजा नहीं था, हमारी आंखें तब भी नॉर्मल थी और आज भी नॉर्मल है। उसे ये पता नहीं चलता था कि लैब में किसने एंटर करी है, बस इतना पता चलता था कोई एंटर कर गया है पर उसका फेस पहचान में नहीं आता था। आज भी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो नहीं पहचान पाते कि मेरी तरफ कौन चलकर आ रहा है, इस हद तक आंखें कमजोर हो जाती हैं। और जिनकी आंखें सही होती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि जिनकी आंखें कमजोर हो गई उन्हें ऐसा दिख रहा होता है। आज आप ऐसा देख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक ऐसा दिखे तो जरूरी है कि आप अपनी आंखों का न्यूट्रिशन पूरा करें, अपनी आंखों का स्क्रीन टाइम कम करें और अपनी आंखों को रिलैक्स दें प्रॉपर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, आंखें जो है मस्तिष्क का द्वार कही जाती हैं, कि जो कुछ भी मेरा दिमाग देख कर समझ रहा है उसके लिए आंखें बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन का फंक्शन काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से हम एक्शन ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर मेरी आंखें सही हैं तो मैं ड्राइव अच्छे से कर सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता हूँ। ये कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर स्पीड मैटर करती है कि सामने से, जैसे बैडमिंटन है, शटल की स्पीड 200 किलोमीटर से ज्यादा होती है कई बार। क्रिकेट खेलते हैं तो 150 किलोमीटर की स्पीड से हमारे बॉलर जो है बॉलिंग करा रहे होते हैं, और वहां पर अगर आपकी दृष्टि कमजोर है तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर आता है। और ड्राइविंग स्किल्स की बात करें, अगर आपको रात में कम दिखता है तो सोचिए कितना खतरनाक ही हो सकता है। तो यस, आंखें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो बड़ा शॉकिंग डाटा ये देखने को मिलता है कि लगभग 4 मिलियन लोग ऐसे हैं भारत में जो ब्लाइंड हैं। तो 4 मिलियन का मतलब हो गया 40 लाख लोग ब्लाइंड है भारत में, अंधे पूरी तरह से, उनको बिल्कुल नहीं दिखता। फिर बात करें, 67 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो जिनकी आंखों में किसी ना किसी तरह का विकार है, मतलब 6.7 का मतलब हो गया यहाँ पर, लगभग 67 मिलियन का मतलब हो जाता है 6 करोड़ 70 लाख लोग। तो 6 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में कोई ना कोई विकार है, और ये डाटा इससे ज्यादा हो सकता है, अभी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो अपनी आंखों का सेल्फ चेकअप कैसे करना चाहिए,
कैसे मुझे पता चले कि मेरी आंखों में कुछ कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये चार पांच सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, आपने आस पड़ोस में पूछने हैं, अपने घर में पूछना है, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा कि आंखें ठीक हैं या फिर आंखों में कोई विकार हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है, पहला क्वेश्चन ये है, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी विजन प्रॉब्लम सच एज ब्लर विजन, डबल विजन, डिफिकल्टी इन सीइंग डिम लाइट? क्या आपको धुंधला दिखाई दे रहा है? क्या आपको डबल विजन का मतलब डबल लेयर दिख रही है, या फिर डिम लाइट में बहुत कम दिख रहा है? तो ये है पहला साइन। अगर इसमें से कोई भी आंसर यस आता है तो आपकी आंखों को न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपकी आंखों में विकार आ रहा है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो जितना ज्यादा असर है उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपकी आंखें क्या रेड रहती हैं, या फिर उनमें कुछ इचिंग होती है, हल्की सी खुजली होती है, या फिर अक्सर आंखों से पानी निकलता रहता है? अगर आंखों से पानी भी निकल रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि आंखों की हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, आंखों का लाल होना, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी का बहना लगातार, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि मेरी आंखों की हेल्थ अच्छी नहीं। अगर बार बार दर्द होता है ना, और आंखों पे जोर ज्यादा पड़ता है, पढ़ाई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो जब कई बार छोटे बच्चे शिकायत करते हैं कि मैं मम्मी जब पढ़ता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है, वो टीचर से कंप्लेन करते हैं मैं पढ़ नहीं पाता, पढ़ने की वजह से सर में दर्द होता है। तो एक्चुअली वो सर का जो दर्द है वो सर की कोई समस्या नहीं है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखें फोकस नहीं कर पा रही जिसकी वजह से उसका सर दुख जाता है। तो कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आंखों का चेकअप कराइए, तब पता चलता है कि बच्चे की आंखें तो कमजोर हो चुकी हैं। इसलिए जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसका फोकस नहीं होता, फोकस नहीं होता आराम से, तो दर्द होता है ब्रेन में। जी हाँ, जब जब आंखों को फोकस करने में दिक्कत होगी तब तक आप फोकस करके पढ़ नहीं पाएंगे और आंखों में दर्द भी होगा। क्या आपको दूर का सांप दिखता है, क्या आपको पास सांप दिख रहा है? दोनों में से अगर दूर का सांप नहीं दिख रहा या फिर पास का सांप नहीं दिख रहा, ये दोनों ही समस्या हो सकती है। तो इनमें से आप देखिए क्या मेरा दूर का विजन सही है या फिर पास का विजन सही है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर यू एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्वेंट चेंजेस इन योर विजन? क्या आपके चश्मे का नंबर जल्दी बढ़ रहा है? क्या आपकी आंखों में जो धुंधलापन है वो बढ़ तो नहीं रहा ज्यादा? अगर वो बढ़ रहा है तो आपकी आंखों की समस्या अंदर ही अंदर बढ़ रही है। ठीक है, क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं, ज्यादा नींद जैसा आती है, क्या आपको फोकस करने में दिक्कत होती है? ये सारी वो चीजें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मेरी आंखों की हेल्थ सही है या नहीं है। आई होप कि ये जो 6 क्वेश्चन आपने पढ़े ये आपके बहुत काम के हैं, और ये जब आप घर घर में जाकर पूछोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ किसकी आंखें हेल्थी हैं और किसकी आंखें हेल्थी नहीं है। दीप्ति मैम, एक छोटी सी एक्सरसाइज सबसे करा लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जिस भी घर में जाएं इस एक्सरसाइज को जरूर कराएं। एक्सरसाइज क्या करनी है, अभी आप सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं अपनी राइट आंख को ऐसे बंद कर लीजिए, एक हाथ से राइट आंख को ऐसे बंद करिए। राइट आंख को बंद करने के बाद लगभग 10 फीट पे, 8 से 10 फीट पे कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए। अभी आपने आंख बंद रखनी है, 10 फीट पे ध्यान से देखना है, 10 फीट पे देखने के बाद आंख को बदल लीजिए। अब दूसरी आंख से फोकस करिए, उसी जगह पर फोकस करके आप देख पाएंगे कि किसी एक आंख से ज्यादा दिख रहा। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि मेरी राइट आंख से ज्यादा दिख रहा है, जिनको राइट से ज्यादा दिख रहा है वो राइट टाइप करेंगे, जिनको लेफ्ट से टाइप ज्यादा दिख रहा है वो लेफ्ट टाइप करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर हमें पढ़ने को मिल सकते हैं। लेट्स सी, यस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स कौन सी आंख से ज्यादा दिख रहा है आपको, ये टाइप करना है। बहुत बढ़िया, सब लोग टाइप कर रहे हैं, जरूर करिए। तो अगर आपको लेफ्ट या राइट से ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक आंख में डैमेज स्टार्ट हो चुका। अगर दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है तब इसका क्या मतलब है? दोबारा से गौर करके देखिए, क्या दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दोनों आंखों से बराबर दिख रहा होगा। अब वो लोग जिनको दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है वो टाइप करेंगे बोथ आईज, दोनों आंखों से मुझे बराबर दिख रहा है। ठीक है जी, दोनों आंखों से अगर बराबर दिखता है तो क्या फोकस करना है? जब आपने आंख से ऐसे हाथ हटा रहा है, जैसे आप ऐसे हाथ हटा रहे हो, क्या उस वक्त ये तुरंत क्लियर हो रहा है या फिर थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है? अगर समय ज्यादा लग रहा है, हल्का सा, तो इट मींस दोनों आंखें बराबर की डैमेज हुई हैं।
और अगर तुरंत क्लियर दिख रहा है, इट मींस आपकी आंख एकदम फिट है। ये छोटा सा टेस्ट है जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपके सामने, छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आंखों की हेल्थ कैसी है। आपके सोचिए, अगर आप ये चेक करा देते हैं और दोनों आंखों की रोशनी बराबर नहीं आती, इसका मतलब अभी एक आंख में केवल विकार स्टार्ट हुआ है, एक आंख केवल वीक हुई है, उसको न्यूट्रिशन पूरा दे दीजिए, वो सही हो जाएगी। उसको न्यूट्रिशन पूरा, जो उसके न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी कर दीजिए, वही आपको करनी है। और ये एक्सरसाइज अगर आप घर घर जाके कराएंगे तो बहुत सारे लोगों का अच्छा भला कर सकते हो, उनकी डॉक्टर की फीस बचा रहे हो आप। कि आंखों में पहले ही पता चल जाए मेरे को कि मेरी आंखें कितनी कमजोर हो रही हैं, तो इसका फायदा क्या होगा कि आप पहले से न्यूट्रिशन ले सकते, ठीक है जी। और बिना किसी ज्यादा परेशानी की, आप केवल न्यूट्रिशन की तो कमी है तो न्यूट्रिशन पूरा कर लीजिए, दैट्स इट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से मेरी आंखों की हेल्थ पे असर आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है अनुवांशिक। अगर मेरे माता पिता की आंखें कमजोर हैं तो स्वाभाविक है वो कैरी होके बच्चों में आ सकता है, बच्चों की भी आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं तो आने वाली जनरेशन को हेल्थी आंखें देखे जाओगे। अगर आप अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखते तो आने वाली जनरेशन को आप अच्छी आंखें भी देखे नहीं जा रहे। तो जैसा हमारा शरीर होगा, अगर मैं अपना ख्याल रखता हूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, मेरी आंखें अच्छी हैं, तो मैं आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा वरदान देके जा रहा हूँ उनके जीवन के लिए। वो हमेशा इस बात के लिए शुक्रगुजार होंगे कि मेरे पेरेंट्स को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मेरे अंदर खतरा इस चीज का कम है। दूसरी चीज है एजिंग। उम्र के साथ साथ आंखें कमजोर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर अगर न्यूट्रिशन कम हो उसका और आपकी हेल्थी हैबिट्स नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो आंखें और तेजी से खराब होती है। एक्सपोजर टू यूवी लाइट, जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि फोन से जो यूवी लाइट निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्मोक, अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं पोल्यूशन हमारे आसपास बहुत ज्यादा है। इवन आप याद करिए, कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे जिन्होंने कभी गाँव में भी खाना खाया होगा, चूल्हे पे जो बना हुआ जो खाना होता है, वहां से जो धुआं निकलता था जब वो आंखों में चला जाता था, तो उस वक्त आंखों से पानी निकलता था। क्यों निकल रहा है पानी? क्योंकि जो धुआं गया है आंख के अंदर वो आंखों के लिए सुटेबल नहीं है। उसको क्लीन करने के लिए आंखें अपना टीयर्स को बहा रही ताकि वो क्लीन हो जाए। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात हो चुकी है, लंबे समय तक रेगुलर रहे तो आंखों में जो है डैमेजेस हो जाते हैं। अगर हम बात करें, ग्लाउकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंखों के अंदर का जो लिक्विड है वो आराम से बाहर नहीं निकल पाता, अंदर से आंख पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आंखों में दर्द होता है। फिर एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, ये भी एक ऐसी समस्या है जिसको आप चेक कर सकते हो। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन ये उम्र के साथ बढ़ने वाली चीज है। अगर आप एक आंख बंद करके ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर चारों तरफ से साफ दिख रहा हो, बीच में हल्का सा धुंधला है, तो ये स्टार्ट हो चुकी परेशानी। पूरी चीज क्लीन है, अगर बीच में हल्का सा धुंधला दिख रहा है, इट मीन्स एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें भी आप अपनी आंखों का ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे, उम्र से पहले ऐसा होना सही नहीं है। अक्सर ये एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन 70 से 80 साल में मिलेगा आपको, लेकिन आज आप देखिए हमारी हैबिट्स इतनी अनहेल्दी हो गई है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, फोन ज्यादा चला रहे, जिसकी वजह से ये समस्या और बहुत पहले होने लग गई है। तो पर मुझे बहुत देर से पता चल रहा है, क्या मैं ये एक्सरसाइज घर जाके कर सकता हूँ? मैं अभी भी कर सकता हूँ, बीच में कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा, चारों तरफ साफ दिख रहा है, दैट इज एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन की एक हल्की सी पहचान है जो आप कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है जैसे डायबिटीज है आप, और हाई ब्लड प्रेशर है, जिनसे आंखों पे बड़ा दुष्प्रभाव आता है। तो अगर हम डायबिटीज से दूर रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से दूर रहते हैं, इट मींस मैं अपनी आंखों की हेल्थ पे भी काम कर रहा हूँ। डाइट की बात करेंगे तो कुछ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो मेरी अगर डाइट में पूरा हो जाए तो आंखों के लिए अच्छा होगा। अगर वही चीज आंखों में कमी हो जाए उसकी, तो आंखों के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने पेश करते हैं बहुत शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज वेल विजन हेल्थ। एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर जो आंखों को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है जी। GMP सर्टिफाइड है, स्पेशली आंखों के लिए बना हुआ है, और नॉर्मल विजन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी आंखें नॉर्मल रहें और आप
धीरे धीरे सही, आपकी आंखों में परेशानी ना होती, प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और आंखों में जो हैजार्ड आ रहा है, जो आंखों में जो परेशानी हो रही है ब्लू लाइट की वजह से, ग्लेयर की वजह से, मतलब चमक की वजह से, साथ ही साथ इंक्रीज जो आपकी विजुअल शार्पनेस है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। फिर ये क्या क्या फायदे करेगा? यूवी लाइट्स जो फोन से डैमेज हो रहा है उससे आपको बचाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आंखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं जो डैमेज पहुंचाते हैं आंखों को, उसको ये कम करता है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जो उम्र के साथ ही होता है, जैसे मैंने बताया बीच में धुंधल दिखेगा, चार आसपास साफ दिख रहा है, पहचान है उसकी, तो उसमें ये आराम देगा। और साथ ही साथ ड्राई आईज है, अगर आंखों में मेरी जलन रहती है, सूजन रहती है, आंखें रेड रहती हैं, तब भी ये आराम करेगा। इसमें ऐसा है क्या? जितनी मेरी आंखों की जरूरत है उसका 50% विटामिन ए इसके अंदर है, विटामिन ई इसके अंदर है, कॉपर है और जिंक भी है। ठीक है, ये बेसिक चीज तो उसके अंदर है ही है, इसके अलावा कई चीजें और भी हैं, जैसे कि ल्यूटिन। ल्यूटिन मेरी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ल्यूटिन की अगर हम बात करेंगे तो ल्यूटिन आंखों को शार्प बनाता है। ये वो प्रोडक्ट है जो आंखों की शार्पनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नाइट विजन के लिए, जिनको रात में कम दिख रहा है उनको भी ये अच्छा रहता है उनकी हेल्थ के लिए, और आंखों की सूजन, ब्लड का फ्लो आंखों में अच्छा रखता है। फिर इसमें हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड का सत भी पड़ा हुआ है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी है, आंखों के अंदर जो रेडनेस है, जो सूजन है, उसको ये भी कम करता है, आंखों को ड्राई होने से बचाता है। फिर विटामिन ए है इसके अंदर जो कि डिम लाइट में भी आपको देखने में मदद करता है, आप डिम लाइट में भी अच्छा देख पाते हो। तो खास बात यह है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी जो रेटिना है, जो कॉर्निया और कॉर्निया, रेटिना और कॉर्निया आंखों के दो इंपॉर्टेंट भाग हैं, ठीक है जी, तो रेटिना पीछे वाला भाग है आंख, और जो कॉर्निया वो आगे वाला भाग है आंखों का, तो इन दोनों में अगर डैमेजेस होते हैं तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से कई बार हो जाते हैं। तो विटामिन ए अगर पूरा होगा तो लंबे समय तक आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। मालफीजिया एमरजनाटा इसके अंदर है, विटामिन ई है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, स्पेशली मेरी आंखों के अंदर जो डैमेजेस हो रहा है फ्री रेडिकल की वजह से, उसको ये कम करता है, जिसकी वजह से ये रिस्क को कम करता है, कैटरेक्ट का रिस्क, मोतियाबिंद का रिस्क कम होता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हो रहा है वो कम होगा, और उम्र के साथ जो डिजनरेशन हो रहा है, मेरी आंखें जो कमजोर हो रही हैं उसमें भी ये फायदा करता है। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक मेरी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक तरह से हम बात कर सकते हैं जिंक जो है फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट करता है। व्हाट इज दिस फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट? जो हमारी आंख का ये जो कलर है ब्लैक, ये मेलानिन की वजह से, और इसका प्रोडक्शन अच्छा जिंक की वजह से होता है। ये जो मेलानिन आप देख रहे हो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सनलाइट को अंदर जाने से कंट्रोल करता है, सनलाइट को बेसिकली अंदर डैमेज पहुंचाने से रोक रहा होता है। मेलानिन जो है सनलाइट को आई आर में कन्वर्ट कर देता है, इंफ्रारेड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आंखों के सेल्स को नुकसान नहीं होता। ये काम है आपकी आंखों का जो काला कलर है, डेट इज ये जो है कलर आपकी आंखों को प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छे से बनेगा तो उसके लिए जिंक चाहिए बॉडी को मेलानिन बनाने के लिए। फिर कॉपर है जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आंखों को हेल्थी रखता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, तो सोचिए छोटा सा प्रोडक्ट है विजन हेल्थ, और ये प्रोडक्ट इतने सारे तत्व अपने अंदर रखता है, आंखों के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसको कौन कौन खा सकता है। देखिए जिनकी आंखों में कुछ कमी आ रही है, जो लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, टैबलेट्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए, जिनकी आंखों में जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, वो इसको यूज कर सकते हैं। और कोई अगर चश्मा लगाता है, लेंस लगाता है, वो भी इसको यूज कर सकता है, उसकी आंखें हेल्थी रहेंगी। और कोई चाहता है कि मेरी आंखें हेल्थी रहें, उनमें डैमेजेस ना हो, मैं जैसा देख पा रहा हूँ वैसे ही देखूं, तो फोन का स्क्रीन का टाइम कम करें और इसको साथ में लीजिए, आपकी आंखें अच्छा अनुभव करेंगी। एमआरपी की बात करें तो ये 999 रुपये इसकी एमआरपी है, डीपी प्राइस 833 रुपया, और टीवी की बात कर देंगे तो 20.04, बिजनेस वॉल्यूम 541.13, ये इसका बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। तो 30 गोलियां इसके अंदर है, खाना खाने के बाद खाइए, सुबह खाइए, शाम को खाइए, जैसी आपकी इच्छा, पर इसको आफ्टर मील लेना होगा, इसको खाना खाने से पहले नहीं लेते हैं। अब हम बात करें, एक तो ये प्रोडक्ट हो गया जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है,
कितने साल से ऊपर इसको दिया जा सकता है? 18 साल से ऊपर ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो आंखों के हेल्थ के लिए जरूरी होता है। कौन कौन से और प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आंखों के हेल्थ के लिए जरूरी हैं? आप लोग क्या गेस कर सकते हैं? टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आंखों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी भी बात की जानी चाहिए। जब तक मैं जरा अपनी स्लाइड को ओपन कर लेता हूं, फिर आप ही लोगों से पूछेंगे। शानदार, टाइप इन द कमेंट बॉक्स और कौन सा प्रोडक्ट है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई आंसर्स दिख भी रहे हैं हमें। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए देरी ना करते हुए इसको भी शेयर कर दिया जाता है। बाकी लोगों का आंसर सही है। कई लोगों ने बताया कि मल्टीविटामिन है, कई लोगों ने बताया स्पुलिना है, कई लोगों ने बताया कि इंटेलेक्ट है। हाँ, सब लोग के आंसर सही है। जो भी आप बता रहे हो वो ठीक ही है। हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कब कब आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप बताएं। ठीक है जी। तो आंखों के लिए एक प्रोडक्ट और भी है जो आप यूज कर सकते हैं। एक तो हमने आईज केयर की बात कर ली। एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे आंखों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया जो फ्री रेडिकल मेरी आंखों में बन रहा है। ये फ्री रेडिकल ही है जिससे मेरी एजिंग हो रही है, जिससे मेरे सारे ऑर्गन की एजिंग हो रही है। वो क्या आंख की क्या बात करें, पूरी बॉडी की एजिंग इसी वजह से होती है, फ्री रेडिकल की वजह से। तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटेलेक्ट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इंटेलेक्ट की हम बात करेंगे तो उसमें एंजोजेनोल है, एसिलोरा चेरीज एक्सट्रैक्ट है, सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ब्रेन हेल्थ के लिए, कार्डियो एक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है, पर आज हम फोकस करने वाले हैं आईज हेल्थ। तो आंखों के लिए भी इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटेलेक्ट को कैसे लिया जाना चाहिए? इंटेलेक्ट को 18 साल से ऊपर एक टेबलेट ली जाती है। कब लेंगे? सुबह खाली पेट। कोशिश करिए इंटेलेक्ट लेने के बाद आप कम से कम लंबे समय तक, मतलब आधा घंटा एक घंटा कुछ खाइए मत, थोड़ा खाली पेट रखिएगा ताकि इंटेलेक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम करे। बहुत पावरफुल कहते हैं इसको, इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट वी हैव एज एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट यही है अपने पास। ठीक है। इसके अलावा इसमें एसिलोरा चेरी एक्सट्रैक्ट भी है जो विटामिन सी रखता है अपने अंदर, और जो कि बोन्स के लिए, बोन हीलिंग के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए सारे काम है। लेकिन आज का फोकस क्या है? आईज हेल्थ। तो आंखों के लिए पहला प्रोडक्ट हो गया जो आप ले सकते हो, दैट इज विजन हेल्थ। दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका इंटेलेक्ट। तो ये दो वो प्रोडक्ट हैं जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। और आंखों की जो डेली नीड्स है जिसको आपको कंप्लीट कर देना चाहिए, तो डेली नीड्स के लिए भी एक प्रोडक्ट है। बताइए कौन सा, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आंखों की डेली नीड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ जी, मल्टी विटामिन। विटामिन ए आंखों को रोज चाहिए, विटामिन ई चाहिए, कॉपर चाहिए, है ना, जिंक चाहिए, वो सब इससे रोज मिलेगा। कई बार जब हम लंबे समय तक मल्टी विटामिन नहीं खाते तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आंखें वीक होती हैं और सिम्टम 3 से 6 महीने बाद आते हैं। आज अगर मेरी आंख, मैंने जैसे एक्सरसाइज हमने करी है कि दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर दोनों आंखों से बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि कम से कम 6 महीने से आंखों में विकार हो रहा है धीरे धीरे। आप अपनी आंखों को न्यूट्रिशन पूरा करिए। ये मल्टी विटामिन एक जो दिया जा रहा है इसको आप रेगुलर खा सकते हो। ऐसी क्या खास बात है? इसके अंदर 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। साथ ही साथ इसमें लाइकोपिन है, जिनसेंग है, और जिनको बाइलोबा पिकनोजन, स्पेशली ल्यूटिन। ल्यूटिन आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यही ल्यूटिन वहां भी था अभी विजन है। तो आपका जो मल्टी विटामिन है उसके अंदर भी ल्यूटिन है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है जी। फिर स्पेशली 12 विटामिन की कमी पूरी हो जाए, 8 मिनरल्स मिल जाए, साथ में ल्यूटिन मिल जाए और पाइपिन मिल जाए, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ विटामिन के रूप में वो सही से ब्लड में चला जाए, तो और क्या शानदार चीज आपको मिल सकती है। 12 साल से ऊपर इसको लेना होता है, एक टेबलेट हमेशा खाना खाने के बाद बेस्ट रहेगा। नाश्ते के बाद सुबह ले लीजिए, पूरे दिन भर थोड़ी एनर्जी भी बनी रहेगी। आई होप 3 प्रोडक्ट हमने पढ़े अभी तक जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप समझ पा रहे हो मेरे साथ। अगर आप बैठे हो तो नोट्स भी बना रहे होंगे। तो 3 प्रोडक्ट हमने वो पढ़ ली जो आंखों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा प्रोडक्ट की बात की जाए, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो आप ले सकते हो जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आइए
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। एक मिनट जरा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा। तो जो चौथा प्रोडक्ट है आंखों की हेल्थ के लिए जो जरूरी है, जो आपको लेना चाहिए, दैट इज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आंखों के लिए। क्यों? इसके अंदर एक खास चीज पाई जाती है। इसके अंदर है जिया जेंथिन, बीटा कैरोटीन, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आप ध्यान देंगे आंखों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप स्पिरुलिना लेते हैं तो स्पिरुलिना के अंदर ऐसा कहा जाता है 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और खास बात यह है कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी आंखें स्वस्थ भी रहती हैं, बाकी न्यूट्रिशन की भी कमी पूरी हो रही होती है। तो ये तीन से चार प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा लिस्ट लंबी है, दो चार प्रोडक्ट और भी हैं। आई होप अगर आप इनमें से कोई भी दो दो या तीन प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी आंखें बहुत अच्छा अनुभव करेंगी। 12 साल से ऊपर एक टेबलेट सुबह, एक कैप्सूल जो सुबह शाम, इसमें भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज आईज हेल्थ में हमने चार प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर आंखों के लिए कोई है मोदी केयर में आंखों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो उस प्रोडक्ट का नाम हो गया वेल विजन हेल्थ, जो हमें खाना खाने के बाद एक बार लेना होता है। दूसरी चीज जो आपको लेनी चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप इंटेलेक्ट ले सकते हो। इंटेलेक्ट के बाद आप एक मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हो कि हाँ मेरी शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं, ठीक है। और इसके बाद एक स्पिरुलिना आप खा सकते हो, जरूरत लगती है तो, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्क्रीन टाइम को कम करिए, आंखों को सही से रेस्ट दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इसी आशा के साथ ओवर टू दीप्ति मैम बन सके। वाह सर, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की है आई केयर के बारे में, और हमें सभी सभी लोगों को अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपने मोदी केयर के वेल विजन हेल्थ का प्रयोग करना चाहिए और अपनी आंखों को ठीक ढंग से रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, तभी हम पूरी दुनिया को आसानी से देख पाएंगे। और अगर हम कल की बात करें तो कल हमारा LDP रहेगा, जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसे ज्वाइन करें और हमारी इस ट्रेनिंग का फायदा उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप समझो,